एक क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंट्स। तो 2:5 है यानी 2/5 इक्वल टू, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम लोग 2/5 इंटू 100 कर लेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 5 1 5 5 20 100, तो 2 × 20 इक्वल टू 40%। 5 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। और 2:5 है तो इसे हम लोग 2/5 कर सकते हैं इक्वल टू परसेंट, मतलब हमें डिनोमिनेटर में 100 लाना है तो 5 के साथ 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 लाने के लिए, और ऊपर भी हम लोग 20 मल्टीप्लाई करें तो ये 40/100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो ये हमारा 40% हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 12:5 यानी 12/5 इक्वल टू 12/5 इंटू 100%, ऐसे 5 1 5 5 20 100, तो 12 × 20 इक्वल टू 240%, ऐसे कर सकते हैं। और 12:5 इक्वल टू 12/5 इक्वल टू परसेंट, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 100 लाना है तो 5 × 20 करेंगे, ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 20 यानी 240/100 इक्वल टू 240%, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है 13:50 यानी 13/50 इक्वल टू 13/50 इंटू 2 × 2, 50 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 100 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 26/100 इक्वल टू 26%, ऐसे कर सकते हैं। और 13:50 इक्वल टू 13/50 इक्वल टू 13/50 इंटू 100% इक्वल टू 51 जा 50 52 जा 100, तो 13 × 2 इक्वल टू 26%। तो ऐसे 2 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे 2 मेथड से कर सकते हैं इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट्स। तो ये हमारा 0.34 है, तो ये 34/100 है, डिनोमिनेटर में 100 है तो इसे हम लोग डायरेक्टली 34% लिख सकते हैं। और 0.34 है तो 0.34 इंटू 100%, ऐसे कर सकते हैं। तो 34 × 100 हमारा 3400 होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बैक से काउंट करो 1, 2 डॉट, तो 34.00% इक्वल टू 34%, ऐसे होगा। नेक्स्ट है 2.3 इक्वल टू 23/10 इक्वल टू 23/10 इंटू 100% इक्वल टू 10 1 या 10 10 10 100, नहीं तो ये ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए तो ये 230% हो जाएगा। और 2.3 इक्वल टू 23/10 इक्वल टू परसेंट, यानी डिनोमिनेटर में हमें 100 लाना है तो यहाँ पर इंटू 10 करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 230/100 हो जाएगा इक्वल टू 230%। अब एनी मेथड फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.2 इक्वल टू 2/10 इक्वल टू 2/10 इंटू 100% इक्वल टू ये ज़ीरो कैंसिल हो गया तो 2 × 10 इक्वल टू 20%, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज 0.2 इक्वल टू 2/10 इक्वल टू 2/10 परसेंट, यानी डिनोमिनेटर में 100 होगा, 10 है तो 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से 100 होता है, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई होगा, ये 20/100 इक्वल टू 20%, ऐसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 1 रुपी। तो 1 रुपी हमारा 1 रुपी हमारा 100 पैसा होता है,
तो 20% ऑफ 1 रुपी इक्वल टू 20% ऑफ 100 पैसे इक्वल टू 20 बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 100 कैंसिल हो गया इक्वल टू 20 पैसे। नेक्स्ट है 35% और 500 ग्राम, यानी 35 बाय 100 इंटू 500 इक्वल टू 20 20 कैंसिल हो गए, तो 35 इंटू 5, तो 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 रखे 2, 5 15 प्लस 2 17 इक्वल टू 175 ग्राम होगा। यहाँ जीएम दिया गया है तो ये 175 ग्राम होगा। नेक्स्ट है 40% ऑफ 120 किलोमीटर इक्वल टू 40 बाय 100 इंटू 120 इक्वल टू ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 12 यानी 48 किलोमीटर आंसर होगा। तो ये हमारा जो डू यू रिमेम्बर के क्वेश्चन सारे थे वो सारे ख़त्म होते हैं।